हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। अकेले भीम ने कलिंग राज और उनकी सेना को परास्त कर दिया। संजय, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि हमारे प्रारब्ध में विजय लिखी ही नहीं है। एक ओर पितामह भीष्म अर्जुन को परास्त नहीं कर पा रहे हैं और दूसरी ओर भीम अकेले ही सबको पछाड़ रहा है। इसे दुर्भाग्य नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे। ये अर्जुन आज तो कृष्ण के सुदर्शन चक्र की भांति घातक हो गया था। अर्जुन ने हमारी व्यूह रचना के चीथड़े उड़ा दिए। अर्जुन के घातक प्रहारों का यही हाल रहा तो जीत चुके हम ये युद्ध। वन में चूहे को सांप खा जाता है और सांप को नेवला। परंतु इन पांचों सांपों के लिए हमारे पास कौन सा नेवला है मामा श्री? है अंगराजकर्ण, है अलंबुस राक्षस। अलंबुस? वो मेरा मित्र? हाँ, वही राक्षस जो माया में युद्ध में निपुण है भांजी। वाह मामा श्री वाह, ये पासा तो मेरी झोली में है और फेंक आप रहे हैं। दूसरे दिन एक ओर अर्जुन ने दृढ़ संकल्प होकर युद्ध किया और कौरवों में हाहाकार मचा दिया, तो दूसरी ओर भीम ने कौरव सेना का भीषण संहार करना शुरू किया। इसे रोकने के लिए कौरवों की ओर से कलिंग नरेश और उनका वीर पुत्र शुक्रदेव आगे बढ़े। युवराज शुक्रदेव भीम कौरव सेना का भीषण संहार कर रहा है, उसे रोकना अति आवश्यक है, उसका वध कर दो। दो आज्ञा पिताश्री। इसका वध कर दो। इस समय भीम बहुत ही क्रोध और आवेश में युद्ध कर रहा है। वो केवल गदा लेकर कलिंग राज की सेना पर टूट पड़ा है। केवल गदा लेकर? अच्छा हुआ,
अब कलिंग राज आसानी से भीम का वध कर सकेंगे। यदि भीम मारा गया तो समझो सारे पांडव मारे गए, और फिर हम युद्ध जीत जाएंगे और मेरा प्रिय दुर्योधन विजेता बन जाएगा। परंतु स्थिति ऐसी नहीं है महाराज। अर्थात? अर्थात ये कि भीम का हर वार कलिंग राज पर भारी पड़ रहा है और कलिंग राज की सेना में भय व्याप्त हो गया है। कलिंगराज और उनकी सेना को परास्त कर दिया। संजय, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि हमारे प्रारब्ध में विजय लिखी ही नहीं है। एक ओर पितामह भीष्म अर्जुन को परास्त नहीं कर पा रहे हैं और दूसरी ओर भीम अकेले ही सबको पछाड़ रहा है। इसे दुर्भाग्य नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे, और क्या कहेंगे। ये अर्जुन आज तो कृष्ण के सुदर्शन चक्र की भांति घातक हो गया था। अर्जुन ने हमारी व्यूह रचना के चीथड़े उड़ा दिए। अर्जुन के घातक प्रहारों का यही हाल रहा तो जीत चुके हम ये युद्ध। आहा भांजी, तुम चिंता क्यों करते हो? संसार में हर समस्या का समाधान और हर शक्ति का उत्तर है। तुमने देखा नहीं, वन में चूहे को सांप खा जाता है और सांप को नेवला। परंतु इन पांचों सांपों के लिए हमारे पास कौन सा नेवला है मामा श्री? है अंगराजकर्ण, है अलंबुस राक्षस। अलंबुस? वो मेरा मित्र? हाँ, वही राक्षस जो माया में युद्ध में निपुण है भांजी। वाह मामा श्री वाह, ये पासा तो मेरी झोली में है और फेंक आप रहे हैं। भांजी, पासे तो तुम्हारे ही होते हैं और खेल भी तुम्हारा होता है, परंतु ये खेल तुम्हारी आज्ञा से तुम्हारे ही लिए खेलता मैं हूं और जीतता मैं हूं। भांजी, ये युद्ध हम अपने बल से नहीं तो छल से जीतेंगे।
पांडव संख्या में हमसे कम होते हुए भी बल में हमसे आगे हैं, परंतु छल में हमसे बहुत पीछे हैं। हाँ, इसलिए बुलाओ बुलाओ अपने अलंबुस को, हाँ बुलाओ। हे मायावी राक्षस, हे अलंबुस, मैं तुम्हारा मित्र युवराज दुर्योधन तुम्हारा आह्वान कर रहा हूं, प्रकट हो जाओ अलंबुस, प्रकट हो जाओ, प्रकट हो जाओ। प्रणाम युवराज। प्रणाम मित्र, स्वागतम, सुस्वागतम। वाह अलंबुस वाह। अब मेरा मित्र अलंबुस लगाएगा पांडवों पर अंकुश। अलंबुस पांडवों पर अंकुश लगाएगा? ये उनका भ्रम है बड़े भैया। जो धर्म पर होते हैं और धर्म के लिए लड़ते हैं उन पर तो मृत्यु भी अंकुश नहीं लगा सकती, क्योंकि वो अपनी जान हथेली पर रखकर युद्ध करते हैं। परंतु वासुदेव, जब हम लोग मायावी युद्ध नहीं कर रहे हैं फिर वो लोग क्यों कर रहे हैं? ये तो छल है। और छल ही अधर्मियों का सबसे बड़ा शत्रु है। ये तो बड़ा अच्छा संकेत है कि कौरव अपनी ओर से मायावी युद्ध करने जा रहे हैं। इस प्रकार वो अनायास ही ये स्वीकार कर रहे हैं कि पांडवों से दुगनी शक्ति होने के बावजूद वो हमसे युद्ध हारने लगे हैं। हारेंगे क्यों नहीं केशव, अर्जुन के बाणों ने और मेरी गदा ने उनके छक्के छुड़ा दिए हैं, और कल मैं उस मायावी अलंबुस को भी छट्टी का दूध याद दिला दूंगा। राक्षस है तो क्या हुआ, भीम की गदा के आगे उसकी सारी माया धरी की धरी रह जाएगी। नहीं बड़े भैया नहीं, आपको कष्ट उठाने की कोई आवश्यकता नहीं। आप अपने बाहुबल को शेष कौरवों के लिए सुरक्षित रखिए। फिर उस मायावी राक्षस का सामना कौन करेगा? आपका पुत्र बड़े भैया घटोत्कच। वाह वासुदेव वाह, तुमने अपनी बुद्धि के तुनीर से क्या चुनकर तीर निकाला है। निसंदेह घटोत्कच महाबलिशाली है, वो भी मेरे प्रिय अनुज भीम की भांति। और सबसे बड़ी बात तो ये है बड़े भैया कि वो राक्षस कुल का होने के कारण मायावी भी है। इसलिए बड़े भैया मुझे पूर्ण विश्वास है कि कल के युद्ध में घटोत्कच शत्रु की सेना में त्राही त्राही मचा देगा। कल के युद्ध में हमारा प्रमुख योद्धा घटोत्कच होगा। आक्रमण! शिष्यों को सही रास्ता दिखाता है, परंतु आप स्वयं ही धर्म के मार्ग से भटक गए हैं और उस अधर्मी दुर्योधन का साथ दे रहे हैं। यह तो मेरा दुर्भाग्य है। मुझे आपकी सिखाई हुई शस्त्र विद्या का प्रयोग आप
काफी वर्क करना पड़ रहा है। द्रोणाचार्य ने भीम को अचेत कर दिया है। संजय, भीम पर पाई विजय से हमारी सेना खुश हो गई होगी। हाँ महाराज, कौरवों की सेना इस विजय के कारण खुशी से नारे लगा रही है, शंखनाद कर रही है। अब तो द्रोणाचार्य और अन्य कौरव वीरों ने पांडव सेना को नष्ट करना शुरू कर दिया होगा। हाँ महाराज, आचार्य द्रोण पांडव सेना पर टूट पड़े हैं।